नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार इंडिया और मैं हर्षर सिंह रुड़की से। आज हमारे साथ हैं रुड़की श्री हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य श्री रजनीश शास्त्री जी। स्टूडियो में आपका स्वागत है नमस्कार। आचार्य जी। आज का हमारा विषय रहेगा हमारी भारत की जो संस्कृति है उसके साथ अपने जीवन को व्यतीत करें। ओम परमात्मने नमः, श्री नारायणाय नमः। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। भगवान श्री नारायण के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, बहुत ही सुंदर प्रश्न है। आज की जो यूथ है, जो जनरेशन है, वो कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति से विमुख होने के कारण और पाश्चात्य संस्कृति की ओर अग्रसर हो रहे हैं। उन्हें ये लगता है कि उस संस्कृति में जा करके हमें सुख प्राप्त होगा। उन्हें लगता है कि हम उनके जैसे बनेंगे, उनकी नकल करेंगे तो हम श्रेष्ठ बनेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ ज्ञान नहीं है। अपनी संस्कृति पे, अपने धर्म पे प्राउड करना चाहिए, गर्व करना चाहिए। और भारतीय संस्कृति तो विलक्षण संस्कृति है। विश्व में हमने राज किया, हमारी संस्कृति ने, लोग अग्रसर होते हैं हमारी संस्कृति को, और आज भी हमारी विदेशी संस्कृति लोग को भी हमारी माना सभ्यता जाता से, हमारी संस्कृति से प्रभावित होते हैं। और वो लोग आते हैं, हम लोगों के धर्म को भी फॉलो करते हैं। भगवान कृष्ण के बहुत भक्त पूरे संसार में हैं। तो जहाँ तक बात आपने पूछी, आज की जो यूथ है, आज की जो जनरेशन है, आज की इस आधुनिकता के इस युग में, वो भाग दौड़ भरी जिंदगी में उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा है, केवल भागम भाग है। लेकिन परमपिता परमेश्वर की शरण में आए, अपने संस्कृति का ज्ञान रखें, उसकी जो सभ्यता है, उसकी जो संस्कृति है, माता पिता के चरणों में नमन करें, प्रभु का आशीर्वाद लें, पूजा पाठ करें, सूर्य को अर्घ दें, तो निश्चित रूप से हम अपनी संस्कृति से जुड़े रहेंगे। तो आपस में भी प्रेम बढ़ेगा, लाभान्वित तो होंगे सभी लोग, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा शरीर में। तो ये तो भारतीय संस्कृति बहुत बड़ी है, अपने आप इसको फॉलो करना चाहिए। तो गुरु जी, आप ये बताइए कि जो 22 तारीख का आप निमंत्रण दे रहे हैं हमारे दर्शकों को, रुड़की में बुला रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, क्या कार्यक्रम है आपका? सभी दर्शकों को मैं पुनः पुनः प्रणाम करूंगा। और जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, माताएं बहनें, हमारे सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ कनिष्ठ जो भी हैं, सभी को प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ सभी लोगों का। और हमारी जो रुड़की नगरी है, काफ़ी धार्मिक है, सभी लोग बड़े धार्मिक हैं, बड़े सरल विचारों के हैं, और धर्मादि कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, निश्चित रूप से सहयोग भी करते हैं। तो 22 दिसंबर से और 28 दिसंबर तक हमारे यहाँ साप्ताहिक जो यज्ञ है, भक्ति ज्ञान यज्ञ श्रीमद् भागवत कथा का, 29 को विशाल भंडारा यज्ञ है। तो सभी दर्शकों को मैं निमंत्रण देता हूँ, चैनल के माध्यम से आप सभी इस भक्ति ज्ञान गंगा में गोते लगाने के लिए निश्चित रूप से आइए। गुरु जी, दर्शक जानना चाहेंगे समय क्या रहेगा कथा का? कथा का समय हमने माताओं बहनों को ध्यान में रख करके, जब वो सुबह का भी कार्य निपटा लें और शाम के कार्य के लिए अपने घर में पहुंच जाएं, तो 2 से 5 का समय श्रीमद् भागवत कथा का दोपहर है। 2 बजे से दोपहर 5 बजे दो तक। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा सभी दर्शकों से निवेदन है कि जितने भी दर्शक हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं, परम पूज्य गुरुदेव श्री आचार्य रजनीश शास्त्री जी की श्रीमद् भागवत कथा है 22 तारीख से, इसी 22 दिसंबर 2018 से, जिसका समय रहेगा दोपहर 2 बजे से और शाम 5 बजे तक। बने रहिए हमारे साथ, आप देख रहे हैं समाचार इंडिया। कैमरामैन पवन गुलाटी जी के साथ मैं हर्ष सिंह रुड़की। नमस्कार।